आरक्षण के लाभ को लेकर मोटागांव में किया गया ओबीसी समाज की बैठक का आयोजन। आज रविवार को मोटागांव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज भोई माली समाज के अध्यक्ष मंगल भोई द्वारा की गई। इस बैठक में शंभू सिंह देवड़ा, पंचाल समाज से नानूलाल प्रेमचंद, सुधार समाज से मांगीलाल नानूलाल भोई, समाज से शंकरलाल मोहन, नटवरलाल नाथूलाल, लक्ष्मण देव भोई, रमेश विजय भोई, नाई समाज से हरीश नाई, गणेश नाई, पप्पू नाई, सेवक समाज से मुकेश सेवक, शांतिलाल सेवक, कलाल समाज से भंवरलाल कलाल, कल्पेश कलाल, सोनी समाज से सुरेश सोनी, महेश सोनी, दर्जी समाज से चिमनलाल दर्जी, वसंत दर्जी, पन्नालाल भोई, कचरू भोई, नारायणलाल रणछोड़ भोई, मांगीलाल भोई, शंकरलाल भोई, मुन्नालाल भोई व अन्य सभी ओबीसी समाज के सदस्यों ने के सानिध्य में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टीएफसी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं होने से सरकारी भर्तियों, राजनीति व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस बारे में ओबीसी वर्ग व नाराजगी व्यक्त कर सरकार को चेतावनी दी कि आगामी भर्तियों में अगर ओबीसी समाज को टीएफसी क्षेत्र में अगर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया तो समाज आगे उग्र रूप धारण कर सकता है और विवश होकर आंदोलन का सहारा लेने की चेतावनी दी। इस अवसर पर एकत्रित ओबीसी समाज के सभी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग की मांगों का निराकरण करके जो सरकारी भर्तियों में राजनीति के क्षेत्र में भेदभाव को हटाया जाए, सरकार के द्वारा सभी मांगों का निराकरण किया जाए व सरकार इस पर विचार करे। बांसवाड़ा जिले से किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट।